बिगलो देयर एंड सब ठीक ठाक कर सब बच्चे परिवार सब ठीक ठाक चलो बहुत बढ़िया गल है जी सारे राजी खुशी रहो और सारे अपने परिवार ना हंसते खेलते रहो अपने बच्चों दी खुशियां मानो और चढ़ती कला च रहो एंड एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मैनू याद आ रही है जिहड़े पेरेंट्स जो भी कोई बच्चा ब्लेस बच्चे की दात मिलती है बच्चे वी आर ब्लेस्ड विद द किड पूता माता की आसीस ने मग्न बिस्रो तुमको हर हर सदा भजो जगदी सा सो वी आस्क फॉर दिस ब्लेसिंग एंड दिस इज अ मदर्स प्रेयर फादर्स प्रेयर फॉर द चाइल्ड कि चाओ घर चाहता ना एक बच्चा पैदा होने मतलब एक उमंग वाला माहौल होंगे कि ना वो न्यू मैंबर इज गोना कम टू द फैमिली एंड बहुत सारे लोग मतलब घर के व्डे तो लैके छोटे तक एवरीबडी इज इलेटेड और मिठाइयाँ का माहौल और बहुत सारे मैंबर सेवा वास्ते आए होंगे है ना कि चलो जिन्हें जननी ने जनना है वो भी सेवा चाहिए है एंड जोड़ा बच्चा है उन्होंने भी सेवा चाहिए है सो द इंटायर थिंग इज़ ऑर्गेनाइज कि बच्चे की सेवा वास्ते भी यू नो मदर की सेवा वास्ते भी एंड इट्स ए ऑर्गेनाइज इवेंट कि बच्चा आ रहा है जी घर के विच राइट एंड एवरीबडी इज इन द इलेटेड मूड सैलीब्रेशन मूड है ना सारा कुछ बहुत असी उन्हों सेलीब्रेट करते हैं बहुत अच्छी गल है बहुत अच्छी गल है जी रिसेंटली आई वॉज एड्रेसिंग संगत इन गुरुद्वारा साहब एंड उत्थे एक कपल सीगा ओल्ड कपल तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने रिटन क्वेश्चन स्लिप्स आ रही सी एंड वी पैनल सीगा साडा स्टेज पर एंड वी वर सपोज टू आंसर दैम बैक ऑन देयर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आया कि साढ़े तो सानू बच्चे की दात ही नहीं मिली मैम साढ़े कोई बच्चा ही नहीं है एंड वट शुड वी डू सानू मैनू बहुत दुख लगता है बहुत ज़्यादा असं दुखी होंने कि साढ़े को बच्चा नहीं है तो असी की करिए तो मैं क्या देखो तुम सारे यूनिवर्स के बच्चों ही अपना समझ लो राइट तो वाई डू वॉन्ट वन चाइल्ड वाई डोंट यू वॉन्ट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ठीक है ना तो थाउजेंड्स ऑफ बच्चों अपना किन्ने बच्चे प्यार दे वास्ते रुल रहे हैं प्यार दे वास्ते तरस रहे हैं सी द ऑर्फेनेजेस है ना किन्ने बच्चों प्यार चाहिए गोदी चाहिए है और असी एक बच्चा असी सोचते हैं कि असी अपनी कोख चो जन्म देिए वही साडा बच्चा है ना बच्चे वो भी ने जो ऑर्फेनेजेस ने एंड बहुत सारे होर भी कपल्स थोड़ी सोसाइटी आस पास भैन भरावान भी होगी कि असी सू बच्चे की दात नहीं मिलती और असी बहुत ज़्यादा रोने बहुत ज़्यादा तरसते हाँ डिप्रेशन च भी चले जाने एनजाइटी भी चले जाने एंड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा असी दिलों लें आई एम राइट एवरीबडी इज़ विद मी यस सो हूँ अगर जिन्होंने बच्चे की दात मिलती है ना उन्होंने गल करिए घर एक बहुत प्यारी एंजल आई हाँ लिटल डॉटर हैज टेकन बर्थ तो एकदम जड़े स्टीरियोटाइप असी फिर रिजिडनेस की जो मैं बहुत वीडियोज गल करांगी क्योंकि मैंने रिजिडिटी ना फिर क्रोकोडाइल वांग बाइट कर दी है रिजिडिटी आई रियली डोंट वॉन्ट एंड आई प्रे टू गॉड कि बाबा जी सारे की ना रिजिडिटी खत्म कर दो तो जो रिजिड माइंड स्टीरियोटाइप या एक जो स्टेट ऑफ माइंड जरा एक पुराना बनया हुआ है कि अच्छा कुड़ी हो गई मतलब एक जरा उल्लास सीगा जरा एक बच्चे का वेलकम बहुत ज़्यादा घट गया वैसे ये चीज़ देखो देखी भी कह लो या कई दिखावा ही कर देंगे कि चलो नहीं तो बाकिया ने टोकना कि नहीं जो बड़ी जो दिलों वाली खुशी होंगी है ना हजे भी मैं मिसिंग लग रही है दिखावा ज़्यादा है दिल वाली खुशी अजे भी मिसिंग है सो दिस यू नो आई मतलब मैंने पता नहीं पिटी होंगे उन्हें पेरेंट्स से कि गॉड हैज बेस्ट ऑड यू विद एन एंजल विद सच अ ब्यूटिफुल दात मैंने लगता है जिस घर डॉटर नहीं है ना कोई कमी तो उस घर रहती है समवेयर मैं नहीं लगता चलो ठीक है बच्चे बड़े प्यारे कहें कि पुत की कहें होंगे ने मिठड़े मेवे रब सभना देवे इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एवरीबडी डिजायर फॉर द सेम बट जेंडर बायसनेस फिर आ गई दैट थिंग इज़ नॉट गुड मतलब बच्चे सनस होन डॉटर्स होन सारे बहुत प्यारे लगते हैं एंड डॉटर्स इक्वली डिजर्व द सैलीब्रेशन द सेम सैलीब्रेशन द सेम मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन एज द सनस डिजर्व एक तो पॉइंट मेरा है डिस्कस कर तो बहुत ज़्यादा मन सी उहदे जिहड़े फैक्टर्स बार बार हाईलाइट होंदे है टी वी ते भी होंदे है कि क्यों आ पेरेंट्स यू नो दे डोंट लाइक डॉटर्स टू बी बॉर्न हाँ फर्स्ट ते यू नो चलो फिर वो दिखावा जहा करके एक्सैप्ट कर लेंगे ने सैकेंड वेरी थोड़ी अच्छा डॉटर हो गई आई रिमैम्बर वन ऑफ माई कजनस वॉज सो हैप्पी हैविंग थ्री डॉटर्स एंड हुन वो मेरे कजन इस दुनिया च नहीं ने बाबा जी उन्हां दी सोल नूं पीसफुल रखन अपनी गोदी च बिठा के रखन एंड जदों उन्हां दी एंड ही लिव्ड अब्रॉड इन कैनेडा थ्रू आउट हिज लाइफ
एंड जो उन्हें थर्ड डॉटर की न्यूज़ इंडिया च आई ना ही वॉज सो हैप्पी दे वर सैलीबरेटिंग देयर एंड लेकिन इतने आई तो इतने विचारे की फीलिंग मिल गई उन्होंने कि हाए विचारे की तीसरी डॉटर हो गई सो दिस थिंग यू नो फिर क्रोकोडाइल वाइंग क्रोकोडाइल वाग मैं खाती है बहुत ज़्यादा कि बच्चे बच्चों की दाद के डिस्क्रिमिनेशन जी है ना इट लाइक इट लुक्स लाइक वेरी वियर्ड।